कभी कभी बहुत ही स्पेशल खाने का मन करता है ना, तो चलिए आज बनाते कुछ स्पेशल, कुछ डिलीशियस, कुछ हेल्दी और कुछ बहुत ही डिफरेंट। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी। संडे स्पेशल है तो जरूर बना डालिएगा ये स्पेशल टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। आज हम लाए हैं आपके लिए ब्रेड क्रैकर्स, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। ये इतने स्वादिष्ट हैं कि आपको मजा आने वाला है और सबको बेहद पसंद आएगा ये रेसिपी। तो जरूर बनाइए, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं आपको आज ये सुपर डिलीशियस रेसिपी। हेल्दी रेसिपी, यमी रेसिपी और बहुत ही अमेजिंग ब्रेड क्रैकर्स। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए कितना यमी है, बच्चों का मनपसंद चीज भी है इसमें, तो उन्हें तो बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा, और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। बनाते हैं ये रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेते हैं स्टफिंग की। यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न लिया है, उसको इस तरह से पील कर लिया। तो 1 कप हम ले रहे हैं स्वीट कॉर्न, बिल्कुल सॉफ्ट वाला लीजिएगा, मीठा होता है और बहुत टेस्टी होता है। 1 हम लेंगे कैरेट यानी गाजर, इसको छील लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे डाइसेस कर लेंगे। देखिए ठीक इस तरह से 1 कप हम ले रहे हैं गाजर यानी कैरेट। तो ये भी हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। छोटे छोटे पीसेस किए हैं। यहाँ पे 1/2 कप हम ले रहे हैं ग्रीन वेल पेपर। तो 1 वेल पेपर यानी 1 शिमला मिर्च से हो जाता है तैयार 1/2 कप। और यहाँ हम ले रहे हैं 200 ग्राम पनीर, इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, बिल्कुल स्मॉल पीसेस। देखिए इस तरह से आपको दिखा देते हैं। तो ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा यानी 1.5 कप है तकरीबन, 200 ग्राम हमने लिया है पनीर, छोटे छोटे पीसेस में कट किए सभी वेजिटेबल्स। चलिए अब बड़े बाउल में ऐड कर लेते हैं पनीर, छोटे छोटे पीसेस हैं आप देख सकते हैं। ऐड कर देंगे कैरेट इन गाजर, ये बहुत ही हेल्दी स्टफिंग है। ऐड कर देंगे ग्रीन वेल पेपर यानी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न, आप इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे वेजिटेबल्स को। आप अपने मनपसंद और भी वेजिटेबल ले सकते हैं, रेड और येलो वेलपेपर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे बहुत कलरफुल हो चुका है, बच्चों को कलरफुल चीजें बहुत पसंद आती है, तो स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चों को डेफिनेटली पसंद आएगा। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। ऐड कर देंगे चिली फ्लेक 1 टीस्पून। ऐड कर देंगे ड्राई बेजिल 1 टीस्पून। ऐड कर देंगे ड्राई ऑरिगेनो 1 टीस्पून। ऐड कर देंगे ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून यानी काला नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को। एक स्पेशल टेस्ट होता है बेजिल का, ऑरिगेनो का, और हर्ब्स हमने ऐड किया है, स्पाइसेस ऐड किए हैं। ऐड कर देंगे 1/2 लेमन का जूस यानी 1/2 नींबू का रस, इससे एक टैंगीनेस आता है इसमें जो कि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। तो 1/2 लेमन का जूस हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, अच्छे से सारा ऐड कर दें।
अब इसमें हम कलर के लिए ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। एक अच्छा कलर भी आ जाता है इसमें, तीखापन नहीं होता। तीखेपन के लिए हमने ब्लैक पेपर यूज किया है, चिली फ्लेक भी है तो उससे काफी तीखापन आ जाता है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग हमारा रेडी है। ये स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग है, इससे बहुत सारी रेसिपीज आप बना सकते हैं। आप इसे सैंडविच बना सकते हैं, आप इसे पिज्जा बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है, समोसे बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। हम यहाँ बना रहे हैं ब्रेड क्रैकर्स। तो देखिए स्टफिंग हमारी रेडी है। इस स्टफिंग को आप 2 दिन के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड, सैंडविच वाला जो बड़ा ब्रेड होता है वो लीजिए। अब इस ब्रेड में हम साइड्स कट कर लेंगे। यहाँ पे हम 8 से 10 पीस ले रहे हैं, साइड्स कट कर लेंगे। और ये बीच वाला जो व्हाइट पोर्शन है यही यूज करना है। सभी को हम साइड्स हटा दिया हमने, देखिए। अब इसके जो साइड्स है ना उससे हम ब्रेड क्रम बनाएंगे, और स्लाइसेस जो है इससे हम बनाएंगे ब्रेड क्रैकर्स। तो ये साइड्स जो है इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, देखिए ठीक इस तरह से, परफेक्ट टेक्सचर। अब इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, लो हीट पे ही ड्राई रोस्ट करें। 4-5 मिनट लगते हैं ड्राई रोस्ट करने में जब आप लो हीट पे कर रहे हैं। हाई हीट पे करेंगे तो कलर चेंज हो जाता है, एक बर्निंग स्मेल भी आती है, तो वो नहीं कीजिएगा। लो हीट पे ही आप तैयार कर लीजिए ब्रेड क्रम, बिल्कुल क्रंची कुरकुरा बनेगा। तो देखिए इस तरह से लो हीट पे लगातार चलाते हुए आपको इस ब्रेड क्रम को रेडी करना है, फिर इसको ठंडा करना है। तो देखिए रेडी हो गया, इसको हमने डिश आउट कर लिया, इसको ठंडा कर लेते हैं। इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने इसलिए ऐड किया ताकि जो कोटिंग है उसमें भी टेस्ट आए अच्छा। तो देखिए सारे प्रिपरेशन तैयार है, सभी चीजें रेडी हो चुके हैं। तो चलिए ब्रेड क्रम हमारा रेडी है, नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 कप हमने लिया ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा, ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड, 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे चिली फ्लेक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और बनाएंगे एक बैटर ताकि कोटिंग करने के लिए यूज करें। तो बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा रनिंग भी नहीं होने चाहिए, यानी परफेक्ट। हम आपको दिखा रहे हैं कितना पानी ऐड करना है, देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं ताकि लम्स नहीं आए। अच्छे से विस्क कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तकरीबन इसमें 3/4 कप लगा है पानी, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह का हमें चाहिए बैटर। कोटिंग के लिए इसमें भी हमने मसाले ऐड किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये ब्रेड की स्लाइसेस हैं, 10 पीस है। अब इनको हमें रोलिंग पिन से अच्छे से इनको रोल कर लेना है, ये देखिए इस तरह से फ्लैट करेंगे इसको, इस तरह से फ्लैट करेंगे, दबा कर करें, थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि ये थोड़ा चिपकते भी हैं। यदि थोड़ा सा चिपकता है तो कोई बात नहीं, आप नाइफ से निकाल सकते उसको, लेकिन थोड़े सावधानी से करेंगे तो इजीली ये निकल जाएगा, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से सारे जो स्लाइसेस हैं उनको हम फ्लैट कर लेंगे रोलिंग पिन से, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से करेंगे, बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट चिपक रहा था लेकिन अब ये नहीं चिपकेगा बिल्कुल। और अब ये जो स्टफिंग है इसको हम रखेंगे सेंटर पे इस तरह से, और मोजरेला चीज हमने लिया है। अब इसको इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा लें, और अब फोक की मदद से इसको साइड्स को इस तरह से दबा देंगे। अब ये जो थोड़ा थोड़ा निकलता है इसको इवन करने के लिए नाइफ की मदद से आप कट कर लीजिए, इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसी तरह से सारे स्लाइसेस हम रेडी कर लेंगे। पहले आपको उसको फ्लैट करना है, फिर उसमें स्टफिंग ऐड करना है, फिर मोजरेला चीज, उसके बाद थोड़ा पानी लगा के दबा कर इसको फोक की मदद से दबा दीजिए।
उसके बाद यदि साइड से निकलता है तो उसको कट कर दीजिए ताकि सुंदर लगे देखने में भी। इसी तरह से सारे तैयार करने हैं हमें। ये देखिए तैयार हो गए हैं सर। अब ये जो बैटर है इसको अच्छे से व्हिस्क कर दीजिए क्योंकि ये बैठ जाता है। इसको अच्छे से व्हिस्क करने के बाद यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड क्रम और हम राइट हैंड से इसको डिप कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से इसको कवर करेंगे क्योंकि ड्राई रहना चाहिए नहीं तो चिपकेगा। ये देखिए इस तरह से तैयार करने हैं सारे। इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे ट्रायंगल्स को। ये देखिए ठीक इस तरह से कोट कर लेंगे। अब ऐसे कोट करके आप एयर टाइट पैकेट करके रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप फ्राई करें और इंजॉय करें, और आप चाहें तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। ऐसे आप कोट करके रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, फ्रिज कर दीजिए। ये महीनों तक खराब नहीं होते यदि आप फ्रिज करके रखते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से कोट कर लेंगे सारे। तो सारे स्लाइसेस ठीक इसी तरह से राइट हैंड से हम इसको अच्छे से बैटर में डिप कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से इसको अच्छे से इस तरह से कोट कर रहे हैं। तो लगातार इस तरह से कर लीजिए। ये तैयार हो गया है। अब चलिए पैन लेते हैं हम। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसे शैलो फ्राई करना है क्योंकि ऑयल हम ज्यादा यूज नहीं करना चाहते। तो पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। आप देख सकते हैं हम बहुत ज्यादा ऑयल ऐड नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ऑयल में हम कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बटर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ ऑयल और हाफ बटर भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। आप देख सकते हैं कितना ऑयल लिया, बहुत ज्यादा ऑयल हमने नहीं लिया है, यानी हम इसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन इतना ही क्रिस्पी क्रंची होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होगा। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देते हैं। एक साथ ज्यादा ऐड ना करें, यहाँ स्पेस कम है तो दो ही एक बार में ऐड होगा, तो एक साथ दो ही फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को ध्यान रखें कि मीडियम रखना है, ना लो करना है ना हाई करना है। यदि आप लो करेंगे तो ब्रेड ऑयल अब्सॉर्ब कर लेगा और यदि हाई करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए आपको मीडियम रखना है फ्लेम को। तो टर्न करके सेकेंड साइड भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से पका लेना है, फ्लिप करेंगे और सेकेंड साइड भी अच्छे से पकाएंगे। लेकिन ध्यान रखें सॉफ्ट होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ही टर्न करेंगे। जब दोनों साइड अच्छे से पक जाएगा तो क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आप इजीली इसको टर्न कर पाएंगे। जो ब्रेड क्रम हमने यूज किया उसकी वजह से ये काफी क्रिस्पी हो जाता है। हमने ऑल पर्पज फ्लावर का बैटर बनाया है। आप चाहें यदि एग यूज करते हैं तो आप एग का बैटर भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है, क्रिस्पी करना है बिल्कुल। तो पलट कर अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर आप देख सकते हैं इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए तो ये तैयार हो जाता है। तो हम बना रहे हैं विदाउट ऑनियन गार्लिक, इसलिए हमने यहाँ एग यूज नहीं किया है। तो ये देखिए ये तैयार हो गए हैं हमारे ब्रेड क्रैकर्स। इनको स्ट्रेनर पे निकालें ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। इसी तरह से बाकी के भी फ्राई करेंगे, सेम प्रोसीजर है। एक साइड फ्राई हो जाए तो टर्न करेंगे। चलिए कर देते हैं प्लेट गर्मा गर्म सॉस के साथ में, चटनी के साथ में बहुत अमेजिंग लगते हैं। गर्मा गर्म दीजिए, गर्म गर्म चाय के साथ भी बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो जरूर बनाइए ये ब्रेड क्रैकर्स, बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी है और डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। डिफरेंट है, अलग है, नया है, जल्दी से बना लीजिए। स्टफिंग बहुत हेल्दी है तो जरूर बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चों के पसंद की चीज भी है तो डेफिनेटली उनको पसंद भी आने वाला है। तो बनाइए जल्दी से ये सुपर टेस्टी ब्रेड क्रैकर्स। ऊपर से काफी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, चीजी है, यमी है, सॉस के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो इंजॉय कीजिए ये टेस्टी डिलीशियस ब्रेड क्रैकर्स। देखिए और बन रहे हैं अभी, तो बहुत सारे बनाने वाले हैं हम। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है ये ब्रेड क्रैकर्स, डेफिनेटली पसंद आएगा आपके बच्चों को। उनके लंच बॉक्स में भी आप पैक करके दे सकते हैं और अपनी किटी पार्टीज में भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई कीजिए और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए हम आपको तोड़कर भी बता रहे हैं कितना चीजी है और यमी है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा।
यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा, फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चले बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपी आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहे स्वाद का जादू।